नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महितपुर विधानसभा 213 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रताप सिंह आर्य ने नामांकन दाखिल किया। पुराने बस स्टैंड नगर पालिका के सामने से अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां पर निर्वाचन के नियमों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी की रैली में समर्थक पहुंचे थे, उनके हाथों में थामी गई तख्तियों में जहां सर्व समाज का नारा है प्रताप सिंह हमारा है लिखा हुआ था, वहीं दूसरी ओर रैली में शामिल लोग गांव का बेटा गांव की शान प्रताप सिंह आर्य के जिंदाबाद जैसे नारे भी लगा रहे थे। रैली के बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज तो करवा दिया, लेकिन यह क्षेत्र की पहली ऐसी नामांकन रैली रही जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जन समुदाय शामिल हुआ। जो आपने निर्दलीय प्रत्याशी का जो फार्म डाला, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं महितपुर विधानसभा में? महितपुर विधानसभा में आज जिस प्रकार से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे मैंने निर्दलीय फार्म डाला है, ये यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं मुख्यतया, यहाँ पर जो कार्य बचे हुए हैं उन कार्यों को लेकर, मान लीजिए कि आप यहाँ का हॉस्पिटल की व्यवस्था को है, यहाँ महितपुर में बाईपास की व्यवस्था है, यहाँ उद्योग की आवश्यकता है, युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है, यहाँ पर खेतों में इरिगेशन पाइपलाइन पहुँचाने की आवश्यकता है, और जहाँ मजरे टोले नए बने हैं वहाँ बिजली पहुँचाने की आवश्यकता है, खेत सड़क पहुँचाने की आवश्यकता है, वहाँ बारामासी सड़क पहुँचाने की आवश्यकता है, ऐसी मूलभूत सुविधाएँ कई प्रकार की हो उन मुद्दों को लेकर, और मुख्य तो यहाँ जो एक मुद्दा है भयमुक्त का, वो मुद्दा लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो मुद्दा ही सर्व नागरिक बंधु जो है हमको जन समर्थन मिल रहा है उस मुद्दे को लेकर, और उसी के तहत हम सब लोगों ने मिलकर आज सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सब युवा साथियों के सहयोग से, मुद्दा किस वजह से होता है? ये यहाँ की जनता जनार्दन वर्तमान विधायक के आतंक के कारण छोटे छोटे प्रश्न लगाकर लोगों को प्रताड़ित, किसी के मकान तोड़ने, अधिकारियों के ट्रांसफर करने बेवजह, सैंपल भराने दुकान के, उनको डराना धमकाना और कई प्रकार के जो भय कर रखा है उस भय को मुक्त करने के लिए मेरा मुख्य मुद्दा लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ और ये चुनाव लड़ रहा हूँ।